हरे कृष्णा श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। संखा पूर्वक नाम गामन तिभि कालावसानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चक्रंत दिनो चजो राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमानंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो सजीव गोपालको वृंदायै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकार प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग की श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ आसीन श्री श्रीधर महाराज एवं नाना त्रिदंडी पादगण वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम सभी लोग श्री राधा गोविंद देव की झूलन यात्रा श्री रूप गोस्वामी पाद की तिरुभाव तिथि हमारे दोनों गुरुद्वय श्री वामन गोस्वामी महाराज श्री नारायण गोस्वामी महाराज के शतवार्षिकी महोत्सव इन सब उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। अभी हम लोग इधर संक्षेप में हरि कथा कहकर जाएंगे गोपीनाथ भवन। मैं सबसे पहले श्रीधर महाराज से अनुरोध करता हूँ 10 मिनट बोलेंगे, मैं 10 मिनट बोलूँगा फिर जाऊँगा गोपीनाथ भवन। हरे कृष्ण ओम अज्ञान निरामयस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित वल्लभ बल्लरी के राधा पदांक विलस मधुरस्तनी के राधांग जसमुखम खंगांग बली के राधा विहार विभिने रमतांग मनो में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील भक्तिवेदांत श्री माधव महाराज श्री नरसिंह महाराज परमहंस महाराज अन्य वैष्णव वैष्णवी
सभी को मैं यथाजुगे प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। कहते ये जो झूलन महोत्सव है ये गुरु जी की अत्यंत अत्यंत प्रिय उत्सव है, इसलिए गुरुदेव बड़े उत्साह पूर्वक ये तिथियों को पालन करते थे। कारण है गुरुदेव का जो नित्य स्वरूप और रमण मंजरी, और ये झूलन लीला में मंजरियों का विशेष विशेष योगदान है। और केवल श्री झूलन महोत्सव नहीं, ये जो 5 दिन जो उत्सव है ये रूप सनातन गौरी मठ का ये वार्षिक उत्सव, और गुरुपाद पद्म बड़ी धूमधाम से ये उत्सव का पालन करते थे। विशेष करके उत्सव में जैसे गंगा यमुना सरस्वती ये त्रिवेणी संगम है, ये त्रिवेणी संगम था। एक तो श्री राधा गोविंद का झूलन महोत्सव, दूसरा श्री रूप गोस्वामी का तिरुभाव महोत्सव, और जो तीसरा है श्री बलदेव प्रभु का आविर्भाव है। लेकिन ये जो साल है ये त्रिवेणी संगम नहीं, ये पंचवेणी संगम है। कितना संगम है, क्या क्या पंचवेणी, पर इसमें हमारे श्री गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का सप्तवार्षिक उत्सव, और उसको साथ साथ में श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज का भी ये आविर्भाव सप्तवार्षिक उत्सव है। मानो ये त्रिवेणी संगम नहीं ये पंचवेणी संगम है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे ये पंचवेणी का विशेष विशेष इसकी आनंद को लेने के लिए हम इस साल हम कोशिश करेंगे हैं। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना, कम से कम आज तो झूलने हैं, कल श्री रूप गोस्वामी के तिरुभाव है, उसको 2 दिन हम तो 3 दिन करते थे, इस बार 2 दिन करेंगे, और जो तीसरा दिन है चतुर्दशी को हमारे दोनों गुरु वर्गों का तिथियों को सवेरे और शाम दोनों एक दिन में सवेरे 9 से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 से लेकर 7 बजे तक एक दिन, और जो लास्ट दिन बलदेव पूर्णिमा का दिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि दोपहर होने पर सबके सब राखी बांधने के लिए सब चले जाते हैं राखी बांधने के लिए, इसलिए दोपहर तो कोशिश करेंगे ये उत्सव तक समापन करके, फिर जो व्यक्ति राखी बांधना चाहते हैं वो अपना घर में जा करके भाइयों को हाथों में राखी बांध सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये जो झूलन उत्सव है इसका क्या विशेष महत्व है, गुरु जी ये झूला महोत्सव को इतने धूमधाम से क्यों मनाया करते थे। गुरुदेव बड़ी सुंदर गुरुदेव कथा सुनाया करते, जैसे अभी भी थोड़ी भी गर्मी है, लेकिन जैसे अभी गर्मी गया गर्मी के बाद में फिर बरसात आती, कहते बरसात आने पर जैसे रिमझिम रिमझिम बरसात होती है, मयूर सुंदर सुंदर नृत्य करने लगते हैं, कोयल कुहू कुहू करते हैं, और पूरा के पूरा वातावरण बारिश से आने पर पूरा के पूरा बदल जाती है। बदलने पर अब लोग सब भारत के सब माताएं हैं, आपको पता होगा जब किसी लड़की की नई नई शादी होती है भैया क्या करती हैं, जाती हैं लड़की के ससुर घर जा करके वहाँ से अपना बहन को ले आती हैं, ला करके यहाँ पर बड़ी सुंदर कदम का वृक्ष में झूला लगा करके लड़कियाँ झूला झूलते हैं। अभी तो शहर हो गया सब मकान हो गया, लेकिन गांव में हम जब थे हम भी कभी कभी झूलते थे, लेकिन वहाँ पर विशेष करके लड़कियाँ आ करके झूला झूलती हैं, और विशेष करके श्री राधा रानी बरसाना में ये झूला झूलती हैं। अभी राधा रानी देख रही हैं उनके जो भैया श्रीदाम ये कब आएगा और ये मेरे को लेकर के अपना पिहर जाएगी, क्योंकि ससुर घर में मर्यादा रहती है, लड़कियां वहाँ मर्यादा से में रहते हैं, लेकिन जब पिहर आ जाती है ना मर्यादा फर्यादा कुछ नहीं रहती, जैसे इच्छा वैसे पहनती है खाती है और डोलती है, हैं, क्योंकि वहाँ पर सास ननद की ससुर की सबके मर्यादा रहता है। अभी राधा रानी देख रहे हैं कब श्री श्रीदाम भैया आएगा और हमें ले करके अपना पिहर जाएगा और मैं झूला में झूलूंगी। लेकिन एक साल क्या हुआ, श्रीदाम भैया की आने में देर हो गई तो अभी राधा रानी बड़ी दुखी हुई, अभी तक भी श्रीदाम भैया नहीं आया, अभी तक भी मैं अपना पिहर नहीं गई, अभी भी झूला में हमने झूली नहीं। लेकिन जब बड़े कुछ देर में श्रीदाम भैया आते हैं, इतने में राधा रानी कहती इस बार तुम आने में देर क्यों लगा दी, बोले बहन
किसी कारण से देर हो गई, माफ कर देना, लेकिन देर हो गई। इसलिए राधा रानी को कहाँ ले आती हैं? बरसाना ले आती हैं। बरसाना में वहाँ पर गह्वर बन है, हम लोग गए ना परिक्रमा करने के लिए, ये गह्वर बन है। गह्वर बन मतलब क्या है? कहते कृष्ण कभी कभी वहाँ आ जाते हैं, आ करके राधा रानी को साथ में वहाँ पर जो गह्वर बन में जहाँ गंभीर है, जहाँ पर बड़ा गंभीर बन है, जहाँ पर राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर गंभीर लीला होता है, वहाँ पर राधा कृष्ण वहाँ पर सुंदर झूला में वहाँ पर झूलते हैं। अब विशेष करके हमारे श्री गोस्वामी लोगों ने ये जो झूलन लीला को विशेष करके राधा कुंड में भी विशेष करके वर्णना की है। जिस समय ये राधा कुंड प्रकट हुई, तब श्री जोग माया वृंदा देवी को आदेश देती, बोले वृंदा अब ये राधा कुंड श्याम कुंड को इतने सुंदर तुम बनाओ जैसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्थान राधा कुंड और श्याम कुंड होनी चाहिए। इसलिए एक भजन में गाते हैं ना, चिंता मणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रबाल विद्रुम माय तरुलता ताहे कुंज सत सत। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर राधा कुंड का वर्णना करते हैं, क्या सुंदर श्री राधा कुंड है, कितने सुंदर सुंदर वहाँ कुंज बनाए, अद्भुत कुंज बनाए। कहते कहीं फूलों की कुंज, कभी पत्ते का कुंज है, किसी कुंज का रंग नील वर्ण, इसका हल सबुज वर्ण, इसकी पीला वर्ण, लेकिन कुंज की अद्भुत वर्णना की। जब राधा कृष्ण कुंज में प्रवेश करते हैं, पास में खड़े रहने पर भी कुंज में क्या हो रहा है आप देख नहीं सकते, ऐसे अद्भुत उन्होंने कुंज बनाती हैं। इसलिए चारों तरफ में कोयल कुहू कुहू करते, वहाँ के कोयल चिड़िया कुहू का कुहू को नहीं करते हैं, सबके सब श्री राधा रानी की कीर्तन करते हैं वहाँ के सबके सब, बड़े सुंदर। और उन्होंने आदेश दिया, बड़ा सुंदर राधा कुंड श्याम कुंड का वर्णना करो। हमारे गोस्वामी लोगों ने वर्णना किया है कौन सा कौन, जैसे चार दिशाएं, चार दिशा में, एक दिशा में जैसे कदम वृक्ष में झूला डालती हैं, दूसरे दिशा में आम वृक्ष में, एक दिशा में अशोक वृक्ष में, ऐसे चार ही कोण में, अलग अलग कोण में उन्होंने सुंदर झूला। जब राधा गोविंद झूला में झूलते हैं, झूलने पर क्या होता है, इनका परछाई पानी में गिरता है, पानी में गिरने पर लगता है ऊपर में भी एक झूला और नीचे भी एक झूला है, हैं। इसलिए कभी झूला की विशेषत्व क्या है, बोले झूला की विशेषत्व ये है जब राधा कृष्ण झूला में बैठते हैं, बैठने पर मंजरी और सखियाँ ये झूला को बड़े जोर से झूलाते हैं। कभी कभी झूला में बैठे हो, कौन कौन झूला में बैठे, हाथ उठा सब बैठो। जब देखना कभी झूला को जोर से झूलाओ, वो इतने जोर से झूला को झूलाती हैं, इतने में राधा रानी, लड़कियाँ तो थोड़ी डरपोक होती हैं, इसलिए इतने में राधा रानी क्या करती हैं, श्री श्याम सुंदर को पूरा कस करके पकड़ लेती हैं। जब पकड़ लेती हैं, कहती ये मंजरी सखियों का उद्देश्य किया है, ये क्या है, इनका हर समय एक ही उद्देश्य रहता है, जय जय राधा कृष्ण जो गला मिलाना, आरती कराए लाली तादी सखी गाना। इसलिए इनकी एक उद्देश्य है राधा कृष्ण को उन्होंने जुगल मिलन कैसे कराए, क्योंकि राधा कृष्ण की जुगल मिलन होने पर जैसे सखियाँ विशेषकर मंजरियाँ ये कृष्ण को साथ में डायरेक्टली कोई मिलना नहीं चाहती हैं, लेकिन इनकी मिलन से ही प्लस प्रसती जति मुकुंदम कृष्ण तत् सखीनाम। जब श्री श्याम सुंदर राधा रानी को आलिंगन करती हैं, लेकिन आलिंगन तो राधा रानी को करती हैं, लेकिन स्वेद कंप अश्रु कहाँ पर दिखाई पड़ता है, ये मंजरियों का शरीर, सारे चिन्ह इनकी शरीर में दिखाई पड़ता है। इसलिए जब राधा कृष्ण का मिलन होता है, सखी मंजरियाँ प्रसन्न हो जाती हैं, ये एक है। फिर दूसरा क्या है, कभी कभी झूलन दो तरह का होता है, जैसे एक झूला में बैठ करके दोनों झूलते हैं, और कभी कभी झूला होता है इधर भी एक झूला इधर भी एक झूला, एक तरफ में किशोरी जी बैठती हैं और दूसरे तरफ में श्री श्याम सुंदर बैठते हैं। जब बैठते हैं झूला ऐसे झूलती हैं, झूला ऐसे झूलते हैं, जब झूलती हैं आप लोग झूला में बैठे होंगे, जब ऐसे झूला ऐसे ऊपर जाती हैं
श्याम सुंदर का झूला जब ऐसे ऊपर में जाती है, जाने पर क्या होता है, उसी समय में श्री राधा रानी का जो चरण दर्शन श्री श्याम सुंदर को होता है। लेकिन दूसरे समय में राधा जी की चरण दर्शन श्याम सुंदर नहीं कर पाते, लेकिन क्या जब झूला ऐसे चलती है, जब कृष्ण ऐसे आते हैं, जैसे कृष्ण का चरण में जो चिन्ह है, दाहिने चरण में जो चिन्ह है राधा जी की, वाम चरण में, राधा रानी की वाम चरण में जो चिन्ह श्री श्याम सुंदर के दाहिने चरण में, वो चिन्हों का जब श्री श्याम सुंदर दर्शन करते हैं, राधा रानी की चरण को दर्शन करते हुए श्री श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती जो तुंग विद्या कृष्ण लीला में ये राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में राधा रानी के चरण की दुर्लभता को पर कहते हैं, कहते ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदारविंदम श्रीमात पराग परमाद्भुत वैभवाया। राधा रानी की चरण की दुर्लभता को कहते हैं, राधा रानी की चरण की कितने दुर्लभता है, बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदारविंदम, कहते ये ब्रह्मा के लिए भी राधा रानी की चरण दुर्लभ है। इसलिए ब्रह्मा जी 60,000 साल पत्थर रूप में बरसाना में जो ब्रह्माचल पर्वत रूप में उन्होंने भजन किया है, और श्री शंकर जी शंकर तो गोपी बन करके स्वयं तो आए हैं लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। उद्धव जी प्रार्थना किए हैं, आशा महो चरण रेणु जुसा महंस्यांग वृंदावन किमपि गुलमलतो सधिनाम बोल करके यहाँ के गुलमलता औषधि वृक्ष रूप में उन्होंने प्रार्थना करते हैं। इसलिए नारद भी नारदीय कुंड में कठोर तपस्या कर रहे हैं श्री कृष्ण जी की चरण को प्राप्त करने के लिए। कहते इन्हीं के लिए तो दुर्लभ है ही है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं इनकी बात ही छोड़ दो, राधा रानी की चरण तो कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है। किसके लिए दुर्लभ है, किसके लिए दुर्लभ है, कहते कृष्ण के लिए भी राधा जी की चरण दुर्लभ। ये सेवा कुंज है ना, ये क्या है सेवा कुंज, इसका नाम सेवा कुंज क्यों पड़ा, बोले बैठ पैलो तो राधिका पाया। इसलिए श्री हमारे श्री रसखान कहते हैं, वेद में ढूंढो पुराण में गायन, मैंने वो परात्पर परम ब्रह्म पर तत्व को मैंने वेद में ढूंढा पुराण में ढूंढा लेकिन उसको कहीं नहीं मिला। लेकिन ये मिले कहाँ, बोले वृंदावन में। बोले कहाँ पर, अभी जहाँ पर हमारा मंदिर है, ये सेवा कुंज के अंतर्गत है, यहीं पर मिले। बोले क्या करते हुए, बोले बैठ पैलो तो राधिका पायन, और राधा रानी की चरण की सेवा करते हुए वो मिले। इसलिए यहाँ पर श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते जत कीं करिषु बहुश खलु काप वाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदा रस निधे वृषभानुजाया तत केलि कुंज भावना गली मार्जनी श्याम। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ऐसे क्या मेरा कभी सौभाग्य होगा, बोले कौन सा सौभाग्य प्रार्थना करते हो, बोले जहाँ पर श्री किशोरी मान करके ये सेवा कुंज में बैठी हुई, कहते आज मैं किसी काले व्यक्ति को देखना नहीं चाहती हैं, जितने काले सब घूरते हैं। इसलिए राधा रानी अपना भूम में भी क्या करती हैं, चंदन लगा देती हैं, छोटी को फूलों की माला से श्रृंगार कर देती हैं, लेकिन जहाँ पर श्याम सुंदर जा करके प्रार्थना करते हैं, किसको पास में, उनकी मंजरी सखियों को पास में, हमें थोड़ा श्री किशोर जी के दर्शन दो, किशोर जी की दर्शन हमें प्रदान करो। इसलिए कहते ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदारविंदम, कहते राधा रानी का जो चरण है कभी कभी ये श्याम सुंदर के लिए भी दर्शन होता है, श्याम सुंदर के लिए भी ये दुर्लभ है। क्यों, कारण क्या है, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ के सब के केली कुंज कोटी कोटी काशी है, गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानते नहीं है कि हम श्री, जोर से बोलो, हम श्री वृंदावन वासी है। बोले श्री राधा रानी की, इसलिए ये जो राधा रानी के जो चरण है कहते ये कृष्ण के लिए भी, ये चरण कभी कभी कृष्ण के लिए भी राधा रानी की चरण, राधा रानी की चरण दुर्लभ कृष्ण के लिए है। इसलिए ये झूला का ही विशेषत महत्व है, उसी समय राधा रानी की चरण पर दर्शन मिलता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी भी ये चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ में उन्होंने वर्णन भी किया है, बोले बेणी ब्याणा गिली खड़ाम, जब उन्होंने ये ग्रंथ को लिख करके चाटू पुष्पांजलि
जिसमें श्री राधा रानी की बड़े सुंदर स्वरूप को वर्णना करते हुए उन्होंने ये ग्रंथ श्री सनातन गोस्वामी को दिए। बोले भैया देखो तो ये ग्रंथ कैसे बना। हमने देखा ग्रंथ तो बड़े अनुपम बड़े दिव्य ग्रंथ तुमने बनाई राधा रानी की बड़ी सुंदर श्रृंगार की, लेकिन एक चीज मेरे को मन में बड़ा खटका लगा है। बोले क्या है। बोले राधा रानी प्रेम स्वरूपिणी है, वैदग्ध सिंधु रौनरागैद्य सिंधु लावण्य सिंधु रससार सिंधु है, कहते राधा रानी वात्सल्य सिंधु श्री राधिके स्फुरत में रसकेल सिंधु। राधा रानी कौन है। बोले जितने सारे जैसे सात समुद्र है, हैं कहते राधा रानी के अंदर में ये सारे समुद्र विद्यमान है। वो वात्सल्य की सिंधु, करुणा की सिंधु, रस की सिंधु, प्रेम की सिंधु, लेकिन तुमने क्या कर दिया, राधा रानी को चोटी को तुमने क्या बोल दिया। बोले बेणी ब्याला गिनी पना। वो बेणी कैसे है। बोले काला नागनी जैसे, कहाँ काला सांप है, कहाँ ये जहरीले सर्प है, और कोई उपमा तुमको मिला नहीं, और राधा रानी को चोटी को तुमने कहा रस स्वरूपिणी, और तुमने क्या कर दिया, और चोटी को तुम काला नागिनी को साथ में बराबर कर दिया, और कोई उपमा नहीं मिला। बोले भैया मैं कोशिश करूंगा सुधारने के लिए। रोज श्री सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते हैं गिरिराज। जब उन्होंने राधा कुंड तट पर पहुंचे, देखा रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, बड़े सुंदर कदम का सुंदर वृक्ष है जिसमें सुंदर झूला पड़ा हुआ, और देखा एक सुंदर किशोरी है 13.5 साल की, वो झूला में बैठी हुई, और अगल बगल में कुछ मंजरी सखियां उनको झूला में झूला रही थी। और उन्होंने क्या देखा, जैसे आप लोगों ने चोटी, जैसे माताएं चोटी बनाती हैं, राधा रानी का चोटी कैसे, बाल कैसे हैं, वर्णना किया है, यहाँ से लेकर चरण तक इतने बड़े बड़े केस है उनके, हैं इसलिए बड़े बड़े बाल है, और उसमें 3-4 चोटियाँ बनाए, जैसे झूला में बैठे हो ना, चोटियाँ पीछे लटकती हुई रहती हैं, ऐसे झूला तो किया होगा, चोटी कैसे ऊपर मोटी नीचे पतली, सर्प जैसे जब ऐसे झूला रही थी, ऐसे लग रहा था 3-4 सर्प जैसे राधा रानी के पीछे, वो लाली को पीछे जैसे चढ़े हुए हैं, और उनको काटने के लिए मानो जा रहे हैं। इतने में जब काटने के लिए, इतने में देख करके कौन श्री सनातन गोस्वामी, बोले लाली लाली, उनको तो पता नहीं राधा रानी, बोले लाली लाली ये क्या कर रहे हो, हैं एक पीछे से 3-4 सांप चढ़े हुए काटने के लिए तुमको दिख नहीं रहा है। जब उन्होंने दौड़ करके गई, इतने में वो जो बीच में जो राधा रानी बैठी हुई थी, मीठी मीठी थोड़ी सी मुस्कुराई, और मुस्कुरा करके उन्होंने वहीं पर उन्होंने अंतर ध्यान हो गई। सनातन गोस्वामी बोले हैं, बोले ये क्या, मैं क्या, ये क्या देख रहा हूँ, हैं ये क्या स्वप्न है ना क्या। फिर याद आया, ओ रूप गोस्वामी ने जो वर्णना किया था, बेणी ब्यालांगिणी फणांग, राधा रानी की बेणी कैसे काल नागनी जैसे, मैंने बोल दिया ना, हैं क्या बोल दिया, उसको तरह सुधार देना, लेकिन ये सही है, ठीक है। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, वो ऐसे नहीं लिखते हैं, जो लीला को दर्शन किए वही चीज़ को उन्होंने वर्णना किया। बोले भैया बदलने का कोई जरूरत नहीं, आज तुम्हारी कृपा से श्री किशोरी जी को मुझे दर्शन मिला है, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी भी हैं दर्शन किए, रूप गोस्वामी भी उन्होंने सुंदर रूप में वर्णना करते, इसलिए हमारे आनंद वृंदावन चंपू गोपाल चंपू विभिन्न ग्रंथ में गोस्वामियों ने वहाँ तो इतना सुंदर वर्णना किया, इतने सुंदर गोस्वामियों ने वर्णना किया। कभी सौभाग्य हो तो ग्रंथों को पढ़ना, कैसे झूला में कैसे राधा गोविंद को सखी मंजरिया झूलाते हैं, और ये हमारी राधा कुंड में जो विशेष 5 लीलाओं में एक विशेष लीला है, ये झूला लीला है, इसलिए आज हम लोग बड़े भाग्यवान जो सबके सब श्री ये झूला महोत्सव रूप गोस्वामी की जो तिथि, और हमारे गुरुद्वय और श्री बलदेव प्रभु, ये 5 तिथियों में आप लोग आए हो, इसलिए आप लोग हम लोग धन्यवाद देते हैं गुरु जी, आप लोग को गोस्वामियों ने आप लोग को बड़े धन्यवाद देंगे, लेकिन कोशिश करना कम से कम 5 दिन रुकने के लिए। कितना दिन रुकोगे, अरे बोलो, 5 दिन कम नहीं, 5 दिन में आपको छोड़ देंगे, 5 दिन रुकने का जरूरत नहीं। जो लास्ट दिन होगा ना, लास्ट दिन आपको राखी बांधोगे ना भाई होगा बात में, इसलिए आप लोग हम छोड़ देंगे, रखेंगे नहीं, राखी बांधने से पहले छोड़ देंगे, क्योंकि बड़े भाग्य से वृंदावन धाम में आते हैं। अरे गुरुवर उनका तिथि में आना तो बड़े भाग्य की बात है, इसलिए महाप्रभु हरिदास ठाकुर का निर्जन में क्या बताए, बोले ये तिथि में जो व्यक्ति आए केवल लास्ट में प्रसाद पाए,
जो समाधि प्रसाद पाए मैं उनका आशीर्वाद देता हूँ, अचिरात में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, उनको कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। ये महाप्रभु का ये वरदान है, इसलिए आप लोग कोशिश करना। मेरे को पता है कोई दो दिन के लिए तीन दिन के लिए आए, लेकिन हम गुरु जी की तरफ से वैष्णव तरह से प्रार्थना करेंगे नहीं, कम से कम चार दिन रुकना, ठीक है? बोले निताई गौर प्रेमानंदे कृपा सिंधु पावने भो वैष्णव। हरे कृष्ण। अरे महाराज इतना सुंदर हरी कथा सुनाया, ब्रज का लाला लाली जोर से बजाओ ताली। हरे कृष्ण। महाराज ने सब बता ही दिया, कुछ तो छोड़ा नहीं। पहले मैं कुछ सूचना दे देता हूं आप लोगों को। जैसे हम लोग हर वर्ष सुबह 6 बजे जहां राधा दामोदर मंदिर उधर जाते थे, हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण, इसको हटा दो। हम लोग प्रतिवर्ष 6 बजे राधा दामोदर मंदिर जाते थे, और आज एकादशी होने के कारण काला में पारण भी समय के अनुसार करना पड़ेगा। पारण 9:33 के पहले करना पड़ेगा। ये कोरोना महामारी को देखते हुए ये राधा दामोदर जो मंदिर है उनके प्रबंधकों ने 8 बजे के पहले मंदिर खुलेंगे नहीं, इसलिए हम लोग काल सुबह मंगला के उपदान, 6 बजे से कीर्तन, फिर उधर का हरि कथा यहीं पर कर लेंगे, और 7:45 वो लोग खुलेंगे, हम जाके उधर प्रणाम कर आरती करके वापिस आएंगे, आके फल पारण करेंगे। ये इसलिए निर्णय लिया गया है। और दोपहर को जैसे और मठों से सब वैष्णवगण आते थे, अब की बार भी आएंगे। अब आते हैं झूलन में, और आप लोग जानते हैं शाम को हरि कथा रूप गोस्वामी का। महाराज बोल गए जहां समाप्त किया वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। महाराज जी बताया पंचवेणी। पंचवेणी क्या है? नवदीप में पंचवेणी है, जहाँ हम लोग गुरु जी के अनुगत्य में, गुरुवर्ग के अनुगत्य में परिक्रमा करते थे। गुरुदेव कहते थे गौर प्रेम रसारणवे से तरंगे ये बाडूबे से राधा माधव अंतरंग गृह थाके बने थाके हागौरांग बोले डाके नरोत्तम मागे तार संग। गुरुदेव कहते थे पंचवनी में डुबकी लगाओ, उठोगे कहाँ वृंदावन के कैसी घाट। पंचवेणी इधर क्या है? इस समय कृष्ण के प्रियनर्म सखाओं में से दो प्रधान, एक सुबल सखा दूसरे मधुमंगल। लेकिन अपने प्राण खुल के बात जैसे बोलते थे किसको? सुबल सखा को। और सुबल सखा जो जो काम सब करते थे मधुमंगल इतना नहीं कर सकते। क्यों? सुबल का फेस कटिंग, राधा जी का फेस कटिंग एक है। सुबल को लड़की बना दिया जाए कोई समझ नहीं पाएगा ये राधा या सुबल है, और सुबल को लड़का बना दिया जाए समझ में मुश्किल है ये राधा या सुबल, यहाँ तक जटिलक बिलक समझ नहीं सके। तो पंचमिनी क्या है? रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि एक, नंबर दो गोविदास पंडित के तिरुभाव तिथि एक ही दिन कल, तीसरा श्री जुगल किशोर की क्या है? झूलन यात्रा, और क्या है? गुरुवर्ग के शतवार्षिकी महोत्सव, ये सब पांच मिला करके पंचवेणी। आते हैं झूलन में, जैसे महाराज बता रहे थे पहले क्या होता था, बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, लड़कियां पियर से ससुराल जाने में रोती थी,
एक उनके एक अनुष्ठान होता है भीगी पलकें, इस समय तो कुछ है ही नहीं। फेसबुक में आपका सब फेस देख लेता, कितना कितना चैटिंग हो जाता, फिर क्या होता आप लोग सब जानते हैं, हमें कहने जरूरत नहीं। मारे क्या लड़की डरपक नहीं है, देखो चैटिंग में थोड़ी डर डरती है, तो जी खुल के चैटिंग करती है, बात करती है। देखिए हुआ क्या, दादाजी की शादी जाबट में हो गया, अब सब लोग चले गए पियर में, राधा जी कभी अटरी में चढ़ती कभी नीचे उतरती, भैया कब आएगा कब आएगा। एक गाड़बन जा रहा था वो बरसाना का, राधा जी अटारी से देख लिया, दौड़ती हुई आई, गांव के संबंध में चाचा लगते थे, चाचा जी देख के रो पड़ी। पथिक संदेश कहियो जाए, बाबा तेरी बेटी अकुलाई रे। राधा जी इतनी भावुक भावुक हो गई, पथिक को कह रही, पथिक संदेश कहियो जाए, कहो बाबा से तेरी बेटी अकुलाई रे, तेरी बेटी बहुत रो रही है, अकुल अकुल हो रही है। जाके कह दिया, दूसरे दिन सीधा आ गए, देखते ही भैया भैया पकड़ के रोने लग गई। भैया तुम लोग मुझे भूल गए, पिता माता भूल गए मुझको। बोले बहन तुम ये कैसे कह रही हो, बोले कभी भूलने की बात है, तब तुम आए क्यों नहीं, हमारे सब सखियां चली गई। बोले भैया बहन तुम्हें क्या कहूँ, लास्ट ईयर में जब मैं आया था तुम्हारी सास तुम्हें भेजा नहीं, बोले इतने जल्दी आने की जरूरत क्या है, एक दिन पहले आना फिर आऊंगा, तुम्हारी सास खोरी खोटी सुनाएगी, मेरा भी मन खराब होगा तुम्हारा भी मन खराब होगा, माता पिता का बयान आनंदमन सबका मन खराब होगा, इसलिए हम बाद में आए। चली गई राधा जी। अब ससुराल में मर्यादा में बंधे हुए रहना पड़ता है, और पियर में क्या है साधीन, बहुत आनंद है। अब चले गए, अब सखिया भी आसपास में सब गांव अब झूलने लगे, कृष्ण कहाँ ठहरने वाले, कृष्ण कभी अकेला रहते ही नहीं। राधा प्रजाति विपिनम विपिनम प्रजाति, राधा निकुंज सदने सच तत्र नित्यम, राधा सुखे सुखम उपेत दुखे च दुखी, कृष्ण कदापि खलु तिष्ठति न स्वतंत्र। क्या है, राधा प्रजाति विपिनम विपिनम प्रजाति, राधा जब विपिन में जाती है कृष्ण भी पहुंच जाते हैं। रूप गोस्वामी दिखा रहे, राधे जय जय माधव द्वैते, इस कीर्तन में वृंदा विपिने से, फिर कुंज में अंदर क्या हो रहा है बाहर से दिखता नहीं, इसके बारे में सत्यम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, राधा कुंज तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, इसमें दिखाए कुंज कुटीर, एक है विपिन एक कुंज, एक निकुंज एक निभृत निकुंज और एक केली कुंज, समय होगा तो इसके बारे में वर्णन करेंगे, अभी मैं इसमें आता हूँ। अब कृष्ण क्या करते, अब उधर तो जा नहीं सकते, क्या करते, बहाना बनाकर कभी चूड़ी हरिन का रूप बना लेते उधर मिलने जाने के लिए, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। उस समय गुरुवर्ग का शासन, समाज का मर्यादा, देश का मर्यादा बहुत स्ट्रांग था, इसलिए कभी चूड़ी हरिन बन करके कभी नापतानी की लड़की बन करके जाके मिलते, वही गहगास का सब में मिलते। वो जो हम बरसाना मंदिर जाते हैं, ये विश्वभानु बाबा का राजमहल नहीं, विश्वभानु बाबा का राजमहल तो नीचे है, ये विश्वभानु महाराज अपने बेटी के लिए महल बना दिया, उनका रंगीली महल, उसमें सखियों के साथ खेलेंगी झूलेंगी, इसलिए और स्थान है। इस झूलन के उपलक्ष्य हम एकत्रित हुए हैं, और झूलन कितने प्रकार के हैं, ये जब राधा कृष्ण एक साथ झूलते हैं, अब कृष्ण क्या करते हैं, पहले पैर के टेक्निक से झूलते हैं, सखी को इशारा करते थे जोर से झूला दो झूला देते, और राधा जी क्या इतनी जोर से झूलती है चुंदरी,
उड़ने लगता, लहंगा उड़ने लगता, आप शरीर से चुंदड़ी में गिर जाए, ये करे कपड़ा संभाले कि अपने को संभाले, डर जाती है। तब क्या किया, श्याम सुंदर को पकड़ लेती है। किसी वैष्णव ने लिखा, स्वर्णलता छाए जाए से तमाल शरीरे तेमती बेरीला राधा श्याम कले भरे। स्वर्णलताएं होती हैं जिसमें कोई पत्ता नहीं, पीला पीला सा, जिसको पकड़ते पकड़नी जकड़ लेते उसको समाप्त कर देते हैं। ऐसे राधा जी कृष्ण को ऐसे पकड़ी, कृष्ण के अंगों को पूरा ढक दिया डर के मारे। ये एक साथ झूला, और एक झूला एक इधर एक उधर। जब कृष्ण कभी ऊपर जाते राधा जी नीचे, कभी राधा ऊपर जाती कृष्ण नीचे। राधा जी का चरण दर्शन आसानी से एक दिन होता है, उन दिन गोपाष्टमी के दिन। उधर उनको सुबल सजाया जाता है, आप नहीं तो दर्शन देखो, किसी भी मंदिर में जाओ राधे पूरे पैर ढकी हुई है, उस दिन दर्शन होता है। आज झूला के समय राधा जी का चरण दर्शन आसान हो जाता है, क्यों, जब ऊपर जाती है झूलते हैं पैर दिखता है। महाराज बता रहे थे ना, ये चरण चिन्ह राधा जी के और कृष्ण के, कृष्ण के दाहिने राधा जी का बायां, कृष्ण के बायां राधा जी का दाहिना। कृष्ण के दाहिने चरण में अंगूठे के नीचे चक्र है, मध्यम अंगूठे के नीचे कमल है, कमल के नीचे ध्वजा है, एड़ी को नीचे को अंकुश है, सॉरी वज्र है, और छोटे अंगूठे के नीचे अंकुश है, पैर के बीच से सीधा दूसरे अंगूठे पर जा रहे स्ट्रेट लाइन जिसको ऊर्ध्व रेखा बोलते हैं, चक्र के नीचे छत्र है, एड़ी में अष्टकोण, अष्टकोण के चारों ओर स्वस्तिक, स्वस्तिक के चारों ओर जम्बू फल, बाएं में अंगूठे के नीचे शंख, फिर मध्यम उंगली के नीचे अंबर, शंख के नीचे धनुष, फिर बीच में गौ का खुद, उसके बाद उसके नीचे त्रिभुज, चारों ओर चार कलश, उसके नीचे अर्धचंद्र और उसके नीचे मछली। ये कृष्ण के, राधा जी का ही तो है ये, और कुछ अधिक है जो कृष्ण के चरण में नहीं है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। अब आते हैं राधा जी का सबसे गुरुत्वपूर्ण स्थान क्या है, राधा कुंड। उसमें कोई सपक्ष विपक्ष तटस्थ कोई सूर्यपक्ष में, केवल सपक्ष अपने मंजरी और अपने सपक्ष गोपी के साथ उनकी लीला है, इसलिए निभृत निकुंज सबसे राधा जी का आनंद। ये राधा जी के, सॉरी राधा कुंड के आठ कोणों में सुंदर सुंदर आठ कुंज है, उसमें समस्त ऋतुओं का फल है, फूल है, और समस्त ऋतुओं के जो चिड़िया है सब समय उधर गुंजार करता है, कुहकता है। राधा कुंड के उत्तर साइड में ललिता देवी का कुंज, उनका नाम ललिता आनंद द कुंज। जिन कुंज में जुगल किशोर ललिता देवी को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए नाम हुआ ललिता आनंद द कुंज। उसके उपरांत जो ईशान कोण उत्तर पूर्व कोण में विशाखा आनंद द कुंज, जिन कुंज में जुगल किशोर को विशाखा आनंद देती है, या जुगल किशोर विशाखा को आनंद देते हैं, इसके नाम विशाखा आनंद द कुंज। पूर्व दिशा में चित्रा सखी का कुंज, उनका नाम चित्रा आनंद द कुंज। उनके उपरांत पूर्व दक्षिण कोण में ईशान अग्नि कोण में क्या है, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा आनंद द कुंज, इंदुलेखा को जहाँ आनंद देते हैं। उसके बाद दक्षिण दिशा में चंपक लता आनंद द कुंज। उसके उपरांत दक्षिण पश्चिम कोण में रंगदेवी सुखद कुंज, जहाँ जुगल किशोर रंगदेवी को सुख प्रदान करते हैं। उसके उपरांत पश्चिम साइड में तुंग विद्या आनंद द कुंज। उसके उपरांत पश्चिम उत्तर कोण में सुदेवी सुखद कुंज। ये आठ कुंज है। ये असल में कुंज पहले सखाओं का था, सखिया जबरदस्ती सखाओं को भगा करके दखल ले लिया। अब महाराज का लड़किया डरपोक है, देखो तो ब्रज के लड़किया डरपोक नहीं है, जबरदस्ती के सखाओं को भगा दिया, भगा करके दखल ले लिया, कभी आने ही नहीं दिया। देखिए ललिता जो कुंज है, ललिता आनंद द कुंज,
उसमें मौला श्री जिनका नाम गोकुल उसमें झूला है, ललिता देवी जुगल किशोर को वहीं पर झुलाती है। उसके उपरांत पूर्व दिशा में जो चित्रा सखी का कुंज है उसमें क्या है, उसमें आम के वृक्षों पर झूला है। उस ब्रज में बहुत आम भी था, उसमें चित्रा सखी जुगल किशोर को उस आम के पेड़ में झूला ला जाके झुलाती है। पूर्व उत्तर पूर्व और दक्षिण में चंपकलता देवी का कुंज, चंपकलता आनंद द कुंज, उसमें चंपक फूल के पेड़ पर झूला डाला हुआ है और उनमें झुलाती है। उसके बाद पश्चिम में किसका है, तुंग विद्या आनंद द कुंज, उनमें कदम के पेड़ पर झूला लगा है, उसमें तुंग विद्या देवी जुगल किशोर को झुलाती है। अब आइए जहाँ ललिता देवी का कुंज है उस साइड से एक सीधा झीना जा रहा है राधा कुंड के अंदर। कृष्ण के समय राधा कुंड के बीच में एक टापू था, जैसे कालियादह के बीच में भी एक टापू था जिसमें कालिया सोता था। कालिया बिगड़ा किस लिए, कृष्ण इतने जोर कूदा सो रहा था नाक मुख में पानी चला गया इसलिए बिगड़ के आया। ऐसे ही राधा कुंड के बीच में एक टापू था, ये चंद्रकांत मणि के द्वारा निर्मित झीना है, उस झीना से बीच में जाता है, उसका नाम सानंद सुखद कुंज या अनंग मंजर जद कुंज। उसमें क्या है, राधा जी की छोटी बहन जुगल किशोर की सेवा कर उनको बहुत आनंद प्रदान करती हैं। स्वानंद स्व आनंद, स्व अर्थात अपना, विश्व के सब कृष्ण का अपना है, जो कृष्ण को नहीं मानता उनका सपना है, ये अपना है। उसके बाद उससे अधिक अपना कौन है, ब्रजवासी, उनमें भी कौन लोग हैं, सखा लोग, उनमें से माता पिता उनमें भी सखियां, उनमें चंद्रावली राधिका, अष्ट सखी चंद्रा, उनमें राधिका सबसे अधिक कृष्ण आनंद लाभ करते हैं। स्वानंद सुखद कुंज में राधा जी इतनी प्रसन्न होती हैं, क्या करते हैं, अपनी छोटी बहन जो अनंग मंजरी, राधा जी सब समय कृष्ण के बाएं रहती हैं, उस स्थान छोड़ किया, छोड़ कर दाहिने आ गई, अनंग मंजरी बाएं हैं। देखेंगे जहां पर भी गोपीनाथ विग्रह हैं उधर बाएं राधा जी नहीं हैं, राधा जी दाहिने हैं, अनंग मंजरी बाएं हैं। जाइए जयपुर, जाइए कहीं भी हो, गोपीनाथ क्यों, गोपीनाथ का जहां कृष्ण गोपियों के द्वारा वशीभूत होते हैं, गोपीनाथ का अर्थात गोपियों के नाथ गोपीनाथ नहीं, गोपियां ही जिनके नाथ, इसलिए है गोपीनाथ, उसमें गोपियों का प्राधान्य है, इसलिए कृष्ण गोपीनाथ बने और उसमें बहुत खुश है। और क्या किया, उसमें अपने बहन को देकर के बाएं आ गया, वही सानंद सुखद कुंज, ये सब उसमें भी अनंग मंजरी झुलाती है। ये सब झूला का रहस्य और बहुत कुछ है और धीरे धीरे हम लोग बताएंगे। अब हम चलते हैं कहाँ पर, गोपी